लाइफ फिजा शेयर हूँ, मैं यहाँ ब्लॉगिंग करती हूँ और आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ब्लीच का तरीका। ब्लीच के साथ साथ हम फेशियल करेंगे, लेकिन क्लिनजिंग भी अपनी तकरीबन वीकली करती हूँ मैं, डेली नहीं करती। एनीवेज हालांकि डेली हमें क्लिनजिंग कर लेनी चाहिए, लेकिन मुझे टाइम का बहुत इश्यू होता है क्योंकि किड्स हैं मेरे साथ, जो उनको भी एंटरटेन करना होता है, बाकी भी काम करने होते हैं, कभी नींद पूरी करनी है, कभी रमज़ान की एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं डेली नहीं कर पाती। तो मैं आप लोगों को लेके चल रही हूँ अपनी ब्लीच की तरफ। तो सबसे पहले मैं ब्लीच करूँगी क्योंकि जाहिर सी बात है ईद का सीज़न है। आपने मेरे कल के ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने वैक्स की है घर पे खुद ही। तो कोई 4-5 साल पहले मैं आईब्रोज़ के लिए, आईब्रोज एंड अपर लिप्स के लिए मैं जाया करती थी। फेशियल तो मैं बहुत ही कम करवाती हूँ, और लेकिन अब मैं आईब्रोज़ की घर पे ही पूरी बना लेती हूँ। जब मेरे किड्स छोटे थे उस वक्त मैं चली जाया करती थी सैलून में, पार्लर्स में जाती थी, आईब्रोज बनवाने के लिए जाती थी। लेकिन मैं आईब्रोज मैंने बना लिए, लेकिन कोई डिफरेंस नहीं आया होगा या क्योंकि मेरी आईब्रोज जो है वो सिर्फ मैं उसमें से प्लकिंग करती हूँ। ओके, तो अब मैं हेयर बैंड लगाती हूँ क्योंकि मुझे अब थोड़ा सा थ्रेड करना है, तो इसको थ्रेड को मैं लगा रही हूँ और ऐसे इसको थ्रेड को लेना है, ठीक है, और इसको सीजर टाइप का हमने इसको बना लेना है। यहाँ से एक इसकी गिरा लगाएंगे हम, जैसे गिरा लगाते हैं, तो ये गिरा लगा ली। अब ये इसको ऐसे पकड़ना है और इसको बल देना है, तो ये आपका एक सीजर टाइप बन जाएगा और यूं करके इसको मैं यूज़ करूँगी। ओके, तो अब मैं अपने आईब्रोज को बाकी प्लकिंग कर लूँ। इतना कोई खास है नहीं मेरे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत होता है जो करीब से देखने में फील होता है, तो मैं उसी को कर रही हूँ। और इधर से जो है फिर ये वाला चलाएंगे। थ्रेड टूट चुका है और मुझे अब दोबारा से उसको बनाना पड़ेगा, तो मैं उसको दोबारा बना के दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है उसको, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, सिर्फ इतना सा बनाना है कि जो आपके हाथ में कवर हो जाए ना। आयान आप ये नहीं करिए, मुझे इसकी आवाज़ें इसमें आती हुई नज़र आ रही हैं, प्लीज़। खुर्रम वो जो है ना अंदर बेडरूम में आज सो गए क्योंकि उनको नींद थी। हमारे घर में कोई रूटीन नहीं है क्योंकि हमारे घर में रमज़ान ट्रांसमिशन का काम चल रहा है, तो उसकी वजह से खुर्रम जो है वो उनको अभी टाइम मिला था सोने का, तो वो सो गए हैं मेरे बेडरूम में, इसलिए मैं वहाँ पे अपने ये सारे सर्विसेज नहीं कर सकती। तो मैं वहाँ से सारी चीज़ें ला के यहाँ पर बैठ गई। आप भी बोल रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्यों कर रही हूँ, उसकी वजह यही है कि मैं अपने ड्रेसिंग टेबल पे नहीं जा सकती इस वक्त। एनीवेज, तो ये है एक ब्रश जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल होगा, और ये किस लिए है, ये ब्लीच क्रीम के लिए मैं इसको यूज़ कर रही होती हूँ। और ये एक छोटी सी प्लेट है जिसको मैं ब्लीच के लिए यूज़ करती हूँ। उसके अलावा ये एक स्पंज है और ये पानी है, इससे मैं रिमूव करूँगी। और ये मैं यूज़ करती हूँ इसमें वेला ब्लीच क्रीम, ठीक है, वेला ब्लीच क्रीम है और ये है, ठीक है, आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा। और जो जो ये यूज़ करता है मुझे वो भी कमेंट करके बताए कि उनको इसका रिज़ल्ट कैसा लगता है, और जो इसके बारे में कोई साइड इफ़ेक्ट्स बताते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, क्योंकि मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। बस मुझे ये यूज़ करना अपने फेस पर, मुझे ये सूट करता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये ब्लीच क्रीम जो है ये इसका एक पूरा पैकेज है, यानी पूरा इसके साथ हमें ये सब चीज़ें मार्केट से मिलती हैं दोनों। तो मैं इसके साथ में ऐड कर रही हूँ एलोवेरा जेल। तो मेरी जो सिस्टर हैं उन्होंने पूछा था कि ये एलोवेरा जेल आप कहाँ यूज़ करती हैं, तो मैंने आपको इसके दो यूज़ बता दिए हैं कि एक तो मैंने इसको अपनी स्किन पे, आर्म्स पे आफ्टर वैक्स सूदिंग जेल के तौर पे यूज़ किया था, उसके अलावा सूदिंग जेल ही है ये,
एलोवेरा का, लेकिन अब मैं इसको ब्लीच क्रीम में ऐड करूँगी क्योंकि इससे आपके फेस पे बहुत ठंडक सी फील होगी और आपको बिल्कुल भी बर्निंग सेंसेशन नहीं होगी। उसकी वजह से आपको बहुत अच्छी सी स्किन पे एक ग्लो भी आएगी। तो मैं ये पूरा बना रही हूँ आप लोगों के साथ, आप लोग इसको देखिए और फिर मैं उसके बाद इसको अपने फेस पर अप्लाई करके दिखाऊँगी। तो सबसे पहले तो हमें इसमें ज़रूरत है इस लिक्विड की, जो कि है वेलोक्सन हर्बल है, ठीक है। 20 वॉल्यूम है, 6% की क्वांटिटी आपके फेस के हिसाब से आपको इसमें लेनी है। तो आप देखिए मैं कितनी क्वांटिटी ले रही हूँ, ठीक है। तो मैंने इसकी इतनी क्वांटिटी ली है तकरीबन, क्योंकि मुझे इसमें एलोवेरा जेल भी डालना है, उससे भी आपकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हो गया, और उसके बाद मैंने इसमें डालना है ये ब्लेंडर जेल। मेरे पास एक साशे खुला हुआ है, उसको मैंने एक स्टोर करके रखा हुआ है, तो सील मैंने उसको करके रखा हुआ है, तो मैं अभी उसमें ही से ही इसको यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसको काफ़ी टाइटली फोल्ड किया हुआ है, मैं अभी वही यूज़ करूँगी, ठीक है। तो ये मैंने इसकी क्वांटिटी इतनी ली है, इसको मैंने इस साशे में से ही डाल दिया, इसकी इतनी क्वांटिटी लेनी है। यानी अगर आपका जो क्रीमी सॉल्यूशन है वो अगर आपका इतना है, तो उसका 1/4 आपने इस पाउडर का, ब्लेंडर पाउडर का लेना है, और फिर उसके बाद इसको इसी तरह टाइटली बंद कर देना है आपको। और ये मैंने इसको बंद कर दिया। उसके बाद अब बारी आती है एलोवेरा जेल की। तो मैं एलोवेरा जेल फॉर सूदिंग के लिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। एलोवेरा जेल जो है वो आपका फेस पे बहुत ठंडक और सूदिंग का एहसास देगा। तो मैंने इसकी एक अच्छी सी क्वांटिटी इसमें डाल ली है ताकि मुझे काफ़ी ठंडक सी हो। और अगर आप एलोवेरा जेल को फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे तो वो आपको और ठंडक का एहसास देगा, आपके फेस पे बहुत अच्छी सी उसकी फीलिंग आती है जो आपको बहुत अच्छी सी देगी। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, मिक्स करने के बाद मैं आपको इसको अपने फेस पर अप्लाई करके दिखाऊँगी। कि आपके हेयर्स जो हैं वो ओपन ना हो रहे हो कहीं से, क्योंकि हेयर्स को आपने बिल्कुल ही ब्लीच नहीं लगाना है, क्योंकि ये उसको वाइट कर देंगे आपके हेयर्स को। तो मैं पूरा इसको टाइटली अपने हेयर्स को अंदर कर चुकी हूँ। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, और सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो यहीं से होना चाहिए, यहाँ ही मेरे थोड़े से ज़्यादा बाल हैं, बाकी जगह तो बहुत कम है। तो मुझे इसको अप्लाई करना है, और मैं फेस वैक्स नहीं करती हूँ। अब थोड़ा सा ये जब इसका फोमी टेक्सचर हो जाएगा तो हम इसको रिमूव कर देंगे। अब क्या है कि अब हमें इसको रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए मेरे पास एक स्पंज है, जो कि वेट स्पंज है, भले ये ड्राई होता है, हार्ड होता है, इसको हमने पानी से मिला दिया है, पानी के बाउल में मिला, और इसको मैं रिमूव कर रही हूँ क्लीन करके। इसका इजी रिमूव करने का तरीका ये है, इनके पास ये अवेलेबल वो क्या करें, वो ये करें, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है कि इसको यूज़ करने का वो क्या करें, वो फेस पे अपने देखे रखें, एक चीज़ रखें उसको रिमूव करें, दूसरा चीज़ रखें वो रिमूव करें, जहाँ जहाँ देख सकिए वहाँ पर दो देख लीजिए उसे रिमूव हो जाएगा। अपना फेस वॉश करके विद ओनली वाटर, तो सिर्फ पानी के साथ मैं अपना फेस वॉश करके आई हूँ। अभी फेस वॉश की और सोप की अभी ज़रूरत नहीं है, उसकी वजह ये कि क्लिनजिंग करेंगे तो खुद से सब कुछ लास्ट में फेस वॉश हो जाएगा। तो अभी मेरा फेस वेट है, वेट फेस पे मुझे अपने क्लिनजर अप्लाई करना है, इसलिए मैं इसको अपने ड्राई नहीं कर रही हूँ। तो मुझे अपना क्लिनजर यूज़ करना है, तो क्लिनजर मैं कौन सा यूज़ करने लगी हूँ, पॉन्ड्स का। पॉन्ड्स का मेरा क्लिनजर है वाइट ब्यूटी क्लिनजिंग मिल्क।
आईज के लिए ये वाली फिंगर पुट करनी है आपको, ठीक है। डार्क सर्कल्स जहाँ पे होते हैं अगर आप वहाँ से मसाज कीजिए 1 to 10 times, ठीक है। बहुत ही स्मूथ हैंड से आपने इसको मसाज करना, ठीक है। आपकी ब्लड सर्कुलेशन इससे बहुत अच्छी होती है। सबसे जो कम वेट जिसका फिंगर का होता है वो ये है, आप इससे मसाज करिए, ये बहुत अच्छी रहती है आपके फेस के लिए। जब आपको ऐसा फील हो कि ड्राई हो गई आपकी स्किन, आप थोड़ा सा वाटर ले लीजिए, क्योंकि हमें 5 मिनट इसको मसाजिंग करनी है, ओके। 5 मिनट के लिए मैं इससे मसाज कर रही हूँ। मेरा मसाज हो चुका है, मैं इसको भी रिमूव कर रही हूँ। इसको भी मैं वेट स्पंज से रिमूव करूँगी ताकि मेरी स्किन रिमूव हो जाए। और मेरे पास है विटामिन, ट्रिपल विटामिन का मॉइस्चराइजर, सिल्की स्मूथ स्किन का मॉइस्चराइजिंग लोशन है, और इसमें है विटामिन B3 और E&C। तो मैं पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। मैंने इससे पहले जो मैंने यूज़ किया था वो क्लिनजर था। दिस इज़ क्लिनजिंग मिल्क एंड दिस इज़ मॉइस्चराइजर, ओके। पहले मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे, पहले क्लिनजर यूज़ करेंगे और उसके बाद हम मॉइस्चराइजर को अप्लाई करेंगे। तो मॉइस्चराइजर अप्लाई करके भी हमें थोड़ा सा मसाजिंग करनी है। आप लोगों के पास जो भी आपको मार्केट में अवेलेबल हो आप उससे मसाजिंग कर सकते हैं, मॉइस्चराइजर की, क्लिनजिंग की और स्क्रबिंग जो भी करना है आपको, वो आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं आप उससे भी कर सकते हैं। तो मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं मैं उनका ही आपको रिव्यू दे रही हूँ कि मैं उनसे कैसे करती हूँ। को भी रिमूव कर दिया है, अब बारी है स्क्रबिंग की, ठीक है। तो स्क्रबिंग मैं इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, ठीक है। मेरे पास 2 scrubs हैं। ये मेरा ग्लैम अप का वाइटनिंग स्किन पॉलिश है, ये भी स्क्रब है। या तो मैं इसको यूज़ करती हूँ या फिर मेरा अदर जो स्क्रब है उसका वो है हॉलीवुड स्टाइल का वाइटनिंग स्क्रब। दोनों वाइटनिंग स्क्रब हैं, ठीक है। तो मैं इसमें से जो यूज़ कर रही हूँ वो ये बहुत ही हार्ड है, यानी वो स्किन आपकी ज़्यादा रगड़ देता है, ठीक है। तो आप कोई भी स्क्रब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे स्क्रब सही लग रहा है वो ये है। जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल इसमें पाउडर बेस हैं और पाउडर हैं, और ये इसके अंदर जो है ये इसमें थोड़े से आपको थिक मिलेंगे। तो मैं इसको यूज़ करती हूँ क्योंकि ये मेरी स्किन के लिए हार्ड रहता है। मैं इतना ज़्यादा अपनी स्किन को रब नहीं करती हूँ, सॉफ्ट रखती हूँ, इसलिए मैं ये वाला यूज़ करूँगी। मुझे आई लाइक दिस। मैं इसको अब थोड़ा सा स्प्रेड करूँगी, ऐसे इसको स्प्रेड करके बहुत लाइट हैंड से स्क्रब को। इस करने के बाद जब इसको अप्लाई कर देंगे तब हम इसको, तभी स्क्रबिंग स्टार्ट नहीं कर देंगे, बल्कि हमें इसको थोड़ा सा वाटर लगाना है। और इसकी जो स्मेल है वो बहुत ही ज़बरदस्त स्मेल है, गुड स्मेल है। अब मैं इसको वेट करने लगी हूँ अपने हैंड्स को, ताकि इसको ईजीली हम मसाजिंग कर सकें। इसको बिल्कुल भी ड्राई अपनी स्किन में अप्लाई नहीं करना होता है, स्क्रब को बहुत स्मूथली इसको अप्लाई करना होता है।
जितना आप इसको गीला करेंगे उतना अच्छा अप्लाई होता है। स्क्रबिंग में कर चुकी हूँ, अब मैं इसको भी वेट स्पंज से ही रिमूव करूँगी। ख़ास तौर पे आपने जब स्क्रब लगाया है, स्क्रब को आपने बिल्कुल भी ड्राई रिमूव नहीं करना, इसीलिए इसको मैं वेट करके रिमूव कर रही हूँ। आप इसको किसी और तरीके से भी रिमूव कर सकते हैं, मतलब आप जाके फेस वॉश कर सकते हैं विद वाटर, ओनली विद वाटर, ठीक है। तो अब मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, तो ये बहुत ईजीली इसी से गीले से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसको बिल्कुल भी आप लोगों को ड्राई नहीं करना है। स्क्रब रिमूव कर चुकी हूँ मैं, और अब मैं इसके बाद मेरी हैंड्स देखिए, तो मैं स्क्रब को रिमूव करने के बाद अब क्या बचा है आपके पास, अब आपने लगाना है मास्क। ओके, मास्क लगाने के लिए आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश करके, और अच्छे से वॉश करने का मतलब कि आपने इसको विद वाटर अच्छे से वॉश करना है। तो अब मैं वॉश करने जा रही हूँ अपने फेस को वाटर से, उसके बाद मैं आके अपने अप्लाई करूँगी मास्क, और फिर उसके बाद अपने आई बैग्स के लिए जो है मैं उसमें वाइट कॉटन रखूँगी आइज़ पे, ताकि मेरे डार्क सर्कल्स जो हैं वो भी रिमूव हो जाएं। मैं अपना फेस वॉश करके आई हूँ, और अब मैं इसको अपने फेस को ड्राई कर लूँ। और जब मैंने फेस वॉश किया तो मेरी स्किन बहुत ही स्मूथ लग रही है, बहुत फील हो रही है स्मूथली। अब मैं इस पर अपने पोर्स को बंद करने के लिए, ठीक है, और मैं अपने पोर्स को बंद करने के लिए मास्क लगाऊंगी, साथ में फिर मैं अपने आई बैग को आई पे लगा के थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके लेट जाऊंगी, बहुत ही सुकून आएगा। ओके, तो अब मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने मास्क, ये ढीला हो गया है, इसको दोबारा से लगा लेते हैं। मास्क लगा सकते हैं एलोवेरा विद जेलेटिन का, ठीक है, और जेलेटिन जो हमें कुकिंग में अक्सर हमारे पास मौजूद होता है। इसके अलावा एक ये मास्क है हमारा, फेशियल वाइटनिंग मड मास्क है ये, तो आई थिंक मैं ये यूज़ करूँगी। ओके, उसके अलावा आप लगा सकते हैं एलोवेरा और साथ में हनी और विटामिन ई का जो कैप्सूल होता है उसका आप मास्क बना के वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आप इसके अलावा एलोवेरा विद लेमन के साथ और विटामिन ई के साथ भी आप उसको अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक और मास्क है जो कि एंड हो रहा है, और उसका नाम है क्ले मास्क। ओके, दिस इज़ क्ले मास्क, और मैं इसमें मिरर में देख कर अप्लाई कर रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा कैसे अप्लाई हो रहा है। ओके, दिस इज़ ग्रीन, देखो कितना यमी सा यमी लग रहा है इस वजह से, क्योंकि इसके अंदर से जो गुड स्मेल सी आ रही है वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आईब्रोज से मेरे अप्लाई हो गया है, डोंट वरी, दिस इज मास्क, ठीक है। तो कोरोना वायरस तो ये मैंने नीचे की साइड को अप्लाई किया है, अब इसको ऊपर की साइड में अप्लाई करना है। इसको
मैं वेट करके अपने आइस पर रख रही हूँ और थोड़ा वेट करूँगी ताकि मेरा मास्क ड्राई हो जाए, और मास्क में ना बोलते हैं ना हंसते हैं और फिर मूव नहीं करते इसको स्क्रीन को। इससे स्पंज से रिमूव कर रही थी, लेकिन स्पंज से जो है वो बहुत देर से रिमूव होता, तो क्योंकि वो बिल्कुल ड्राई हो चुका था इसलिए मैं जाके वॉश करके आ गई हूँ अपने फेस को। और अभी मैंने अपने फेस को ड्राई नहीं करना क्योंकि फाइनली बारी है हमारे फेस वॉश की, और फेस वॉश है वाइट ब्यूटी का, पॉन्ड्स का वाइट ब्यूटी, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। ये है लाइटनिंग फेशियल फोम। फाइनली हमारे फेस वॉश की बारी आ गई है। इसका अब तो उसी तरीके से अच्छे से इसको वॉश करके फिर हम अपना फेस फाइनली वॉश कर लेंगे, जो कि बहुत अच्छा सा वॉश हो जाएगा। ओके जी, मेरी आईब्रोज, फेशियल, ब्लीच, सब कुछ, मेरा सारी सर्विसेज मेरी हो चुकी हैं, सारी मैंने सर्विसेज अपनी दे दी हैं, और मैंने अपने फेस को काफ़ी स्क्रब किया है आज, और मैं इतना करती नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कम यूज़ करती हूँ, लेकिन कुछ ख़वातीन जो हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन हैं उनको बहुत नीड होती है कि वो स्क्रबिंग करें, फेशियल कराएँ, ईद पे कोई भी सीज़न होता है उस पर उनका दिल होता है कि वो सब कुछ करवाएं, तो ये सब मेरा जो ब्लॉग है ये ख़ास उन्हीं ख़वातीन के लिए, लेडीज के लिए है जिनको फेशियल करवाना बहुत पसंद है और वो परेशान है कि वो इन लॉकडाउन के सीज़न में वो क्या करें, तो ये सब चीज़ उसी के लिए अप्लाई मैंने की है। और लास्टली जब मैंने देखे मेरा फेस जो वो काफ़ी हद तक फ्रेश हो गया है, और अब मैं ये इसका जो हेडबैंड है ये भी उतार दूँ, और अब मैं इस पर थोड़ा सा मैं एलोवेरा जेल, सूदिंग जेल अप्लाई करूँगी ताकि मेरी जो बर्निंग सेंसेशन है वो ख़त्म हो सके। मेरी सारी चीज़ें आईब्रोज, अपर लिप, ब्लीच और फेशियल जो है वो ईद से पहले कंप्लीट हो चुका है। और आज कौन सा रोज़ा है, आज ये 27वां रोज़ा था, तो आज था 27वां रोज़ा, और कल इंशाल्लाह 28वां रोज़ा होगा, तो हमारे पास कितने, आई थिंक 2-3 दिन बचे। आप लोग भी इजीली घर पे ये सारी चीज़ें घर पे मंगवा के और ये सब कुछ कर सकते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को उससे ये भी हो जाएगा कि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी घर पे करने की, तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं हुई कि सैलून जो है वो क्लोज्ड हैं, बंद हैं लॉकडाउन की वजह से, बल्कि आप लोग क्या कीजिए, आप लोग अपने ही घर पे रह के आप इजीली ये सब कुछ अप्लाई कर सकते हैं, अपने फेशियल कर सकते हैं, ब्लीच कर सकते हैं और आईब्रोज वगैरह सब कुछ बता सकते हैं। मैंने काफ़ी चीज़ें, सब चीज़ें मैंने डिटेल से आप लोगों को बता दी हैं। आई होप आप लोगों को मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियोज़ को, और साथ साथ आप बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी है उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको मेरी जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास उसका नोटिफिकेशन आएगा। ओके, तो मैं आप लोगों से अब अपने अगले ब्लॉग में मिलती हूँ। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तब तक के लिए बाय बाय।